हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करेंगे एसएसटी का सॉल्यूशन। हिंदी सॉल्यूशन की सीरीज़ हमारी चल रही है साथ साथ, और अब से एसएसटी का सॉल्यूशन भी करेंगे। कुछ लेक्चर्स चैनल पर पड़े हुए भी हैं ऑलरेडी। तो आज हम करने वाले हैं जुलाई 2019 का पेपर सेकंड सॉल्यूशन। वैसे एसएसटी पेपर सेकंड में ही आता है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एसएसटी में, सीटेट में एसएसटी का जो पोर्शन होता है वो 60 मार्क्स का होता है, और 60 मार्क्स में भी 30 नंबर का कंटेंट आता है और 30 नंबर का पैडागोजी बेस्ड आता है। तो हम जो भी पेपर सॉल्व करेंगे वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं दो पार्ट्स में कराऊंगी, एक में कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एक में पेडागोजी बेस्ड होंगे। तो आज हम करेंगे जुलाई 2019 के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बायलिंगुअल है, जिसे हिंदी में समझ में ना आए वो इंग्लिश में भी देख सकता है। कथन दिया हुआ है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं, अपराह्न मतलब दोपहर, तो भारत में 7:30 का समय होगा। और कारण दिया हुआ है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो कथन जो दिया हुआ है, अगर उसके अगर कथन और कारण को आपको सही पहचानना है तो आप क्या करेंगे, कथन के बाद आप क्योंकि लगा देंगे। जैसे जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 का समय होगा, क्योंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो अगर बात की जाए इन कथनों की, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन सही होगा हमारा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या है ए की, क्योंकि जो भारत है वो 5.5 घंटे आगे है लंदन से, क्योंकि वो 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसीलिए यहाँ पर 7:30 बजे होंगे जब लंदन में 2 बजे होंगे। तो इसका डिटेल अगर आपको समझना है, डिटेल में अगर आपको कंसेप्ट समझना है टाइमिंग का, मानक समय से संबंधित, तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड वाला। 2 वीडियो पड़े हुए हैं, एक एनसीईआरटी वाला मैंने कराया हुआ है और एक अदर वीडियो है। तो आप दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा सकती। समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है, देशांतरीय विस्तार होता है। देखिए ये पृथ्वी है और ये होती है देशांतर रेखा जो लंबी होती हैं, और देशांतरीय विस्तार हम क्या बोलेंगे, जो इनके रेखाओं के जो बीच की दूरी होगी इसको बोला जाता है देशांतरीय विस्तार। तो जितना ज़्यादा होगा वो विस्तार बोला जाएगा उतना ही ज़्यादा। तो देशांतरीय विस्तार की बात हो रही है, तो मतलब कहने का ये है जैसे इस तरह से जितना भी वो फैला हुआ होगा उतने ही ज़्यादा उसमें मानक समय होंगे, एक से अधिक मानक समय होंगे। जैसे कि हम बात करें रसिया की, तो रसिया काफ़ी जगह में फैला हुआ है, तो यहाँ पर जितनी भी मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे मानक समय हैं, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कितने मानक समय हैं रसिया में। और तो ये पहला कथन हमारा सही हो जाता है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, पृथ्वी को इस तरह से ही, जैसे जिस तरह से लाइनें हैं इस तरह से ही 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। थर्ड है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये जो क्षेत्र है ये हमने जनरल आइडिया के लिए लाइन खींची हुई है, इतनी दूरी नहीं होती होगी क्योंकि 24 आएंगी, तो इतनी जो दूरी है ये दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है
दो देशांतर लाइनों के जो बीच की दूरी है ये होती है 15 डिग्री। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम इसका होता है 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का कंसेप्ट भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड वाले में। तो 1 डिग्री होता है 4 मिनट, तो ये आप उसमें समझ लेना। तो इसमें हो जाएगा, तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल के परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो पृथ्वी के परतों को बताना है, आपने देखा ही होगा, मान लीजिए पृथ्वी है तो इससे ऊपर ही लेयर है वायुमंडल की, इस तरह से। तो ये क्रम से बतानी है, इस तरह से बतानी है, इस तरह से बतानी है, यहाँ से ऊपर तक का इनका क्रम बताना है। तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, और इंग्लिश में देख लीजिए। तो कुछ के नाम इसमें दो तीन हैं, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे ये वाला है बाह्य वायुमंडल, तो बाह्य और बहिर में आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बहिर्मंडल है मतलब बाहर का, और ये बाह्य से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और बाह्य वायुमंडल के और भी नाम हैं, जैसे तापमंडल या फिर आयन मंडल, ये इन नामों से भी आता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसमें आगे देख लेते हैं, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। तो कारण बताना है, ऋतु किस कारण से होती हैं। तो मैंने एक वीडियो कराया था पृथ्वी की गतियां, उसमें मैंने कराया था घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो दोनों के आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि किसके कारण क्या होता है। तो अगर बात की जाए ऋतुओं की, तो ऋतुएं होती हैं परिक्रमण के कारण, तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। परिक्रमण होता है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, यहाँ पर चक्कर लगा रही है इस तरह से, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये है परिक्रमण। परिक्रमण के कारण ही ऋतुएं होती हैं, मौसम बदलते रहते हैं। और जो घूर्णन होता है, जो पृथ्वी यहीं पर घूम रही है, उसके कारण होते हैं दिन रात, तो ये पूछा जा सकता है दिन रात वाला भी। तो दोनों चीज़ें याद रखनी हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर डिटेल में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर देख सकते हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, संघटक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है, कौन सी गैस का प्रतिशत है वायुमंडल में। तो ये सीधी सी बात है, नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि नाइट्रोजन उपस्थित है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर बाकी गैसें आती हैं, तो नाइट्रोजन सही होगा इसमें। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ये आप जानते होंगे या आप समझ सकते हैं, आपको नहीं पता है तो आप इस कंसेप्ट को पहले समझ लें। 0 डिग्री लाइन के ऊपर कर्क रेखा है, फिर 66.5 डिग्री रेखा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर पोल आ जाता है, ध्रुव आ जाता है, इसी तरह से नीचे भी है मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री और फिर यहाँ पर ध्रुव। तो ध्रुवों की तरफ क्या होता है, ठंड पड़ती है, और जो इक्वेटर है यहाँ पर रहती है गर्मी। तो जो धाराएं ध्रुवों से इधर की ओर चलेंगी, इधर से ऐसे चलेंगी, ये समुद्री धाराओं की बात हो रही है, महासागरों की, तो इधर को चलेंगी, तो ध्रुव की तरफ से कैसी हवा चलती है, ठंडी, तो धाराएं कैसी होंगी, ठंडी।
तो ठंडी धाराएं इधर निम्न अक्षांश, इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि इधर से कम अक्षांश होते हैं, यहाँ तक होते हैं 90 डिग्री तक, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, तो ये कम अक्षांश हो जाएगा, निम्न अक्षांश हो जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि ठंडी धाराएं ध्रुवीय होती हैं, देखिए यहाँ से, तो जो ध्रुवीय धाराएं हैं वो उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय, मतलब कि यहाँ पर 0 डिग्री की तरफ लेकर आती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये ध्रुवों की तरफ से बहती हैं, ठंडे मौसम की तरफ से बहती हैं, तो इसलिए ठंडी होती हैं। पहला बिल्कुल सही है। बी है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। अगर आपको इसका भी नहीं पता है ना लेब्राडोर कैसी धारा है, तो मैं आप थर्ड ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहला तो हमारा सही हो गया है, पहला सही हो गया है, तो आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड एलिमिनेट हो गया। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धारा मिलती हैं वह स्थान विश्व विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों धाराएं मिलती हैं, तो यही जो क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर होता है मत्स्य पालन, मतलब मछलियों का पालन होता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो ये क्षेत्र उनके अनुकूल माना जाता है मछलियों के जीवन के लिए, तो इसलिए इस जगह पर बहुत अच्छे से मछली पालन होता है। तो एक ठंडी धारा मिल रही है, एक गर्म धारा मिल रही है, तो ये क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो सी भी सही है, तो इसमें ए और सी हमारा सही हो चुका है। ए सी ऑप्शन में कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड अगर नहीं भी पता है तो भी चल जाएगा। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, तो हिमनद के निक्षेपण का पूछा है, हिमनद क्या है, हिमनद है ग्लेशियर, तो हिंदी में कुछ टर्म्स समझ में नहीं आती हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो हिमनद की बात हो रही है, ग्लेशियर की बात हो रही है। ग्लेशियर तो आप जानते होंगे बर्फ के ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो इनका जो निक्षेपण होता है उसे कहा जाता है हिमोड़। तो कैसे होता है निक्षेपण, तो ग्लेशियर द्वारा जो है बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं वो गिराई जाती हैं, उन्हीं को बोला जाता है हिमोड़, मोरेन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, तो ये दो कथन दिए हुए हैं, ये विशेषता बता रहे हैं किसी वनस्पति की, तो उस वनस्पति का हमें नाम बताना है। तो यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। देखिए अक्षांशों का इसमें बहुत वर्णन हो रहा है, तो आप पहले अक्षांश को समझ लेना, अगर आपने नहीं समझा है अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप सबसे पहले पढ़ लेना, लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड लाइंस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका, वो पढ़ लेना, वो पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये 0 डिग्री होती है बिल्कुल बीचों बीच, ये पता ही होगा आपको, यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर 65.5 डिग्री, ऐसे ही नीचे दो लाइनें बना लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, उच्च अक्षांश कहाँ होगा, ये 65.5 डिग्री, तो इट मीन्स इससे जुड़ा हुआ ही होगा ये पार्ट, क्योंकि ये 23.5 डिग्री है तो इससे ऊपर ही होगा, तो इस जगह में पाया जाएगा। तो यहाँ पर कैसी जल वो वनस्पति पाई जाएगी, जो ठंडी जगह में होती है, क्योंकि इधर ठंडा एरिया जाता है, तो यहाँ पर ठंडी जलवायु मिलेगी, सॉरी हाँ ठंडी जलवायु होगी, तो वनस्पति वैसी होगी जो ठंडी जगह में उगती है, इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, टैगा के नाम से जाना जाता है जो ठंडे इलाकों में होती है। तो अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बताया हुआ है कौन सा होता है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन होंगे इस एरिया में, जो ये आधा ठंडा और आधा गर्म एरिया होता है, इक्वेटर से ऊपर और ध्रुवों से काफ़ी नीचे, हम कह सकते हैं कर्क रेखा के पास, हम कह सकते हैं एक तरह से, ये बिल्कुल वो हो गया है, मैसअप हो गया है थोड़ा, ये कर्क रेखा है यहाँ पर, तो इसके पास हम कह सकते हैं पर्णपाती वन मिलेंगे, जैसे कि हमारे इंडिया में कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती होता है पतझड़ वन, जिनके पत्ते जो पत्ते गिराते हैं, तो ये हमारी यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, तो ये होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर ठंडा एरिया तो छोटे से उसमें मिलता है।
तो ये वाले कर्क रेखा के हम अंदाजे से बता रहे हैं इस तरह से। तो ठंडी जो जो वनस्पति पाई जाती है वो है शंकुधारी वन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? बेसिन मतलब जो उनका एरिया है जहाँ पर वो बहती हैं, उनके आसपास के एरिया की बात हो रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ बहती हैं उनके आसपास के एरिया का हमें बताना है कि किस तरह का है, कैसी विशेषता पाई जाती है, तो मतलब कौन सी विशेषता नहीं है वो बताना है। बाकी तीन वहाँ की विशेषता होंगी, एक नहीं होगी। तो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी दशाएं मिलती हैं जीवन के अनुकूल, पानी भी मिलता है, पानी है तो वहाँ पर वनस्पति भी मिलती है और खेती भी अच्छी होती है, भूमि उपजाऊ होती है, तो इसलिए जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा क्षेत्र आप देखें पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा बनता है इनका, तो वहाँ पर मैंग्रोव वन बहुत पाए जाते हैं जो कि पानी में ही रहते, मतलब दलदल जैसे एरिया में होते हैं। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तो ये यहाँ की विशेषता नहीं है। मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है, तो चाप झील होती है इस तरह से, जैसे ये इस तरह से नदी बह रही है तो ये जो जगह छोड़ देती है यहाँ पर इस तरह की आकृति बन जाती है, ये पानी यहाँ रुक जाता है तो ये चाप झील हो जाएगी, तो ये भी होती है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, तो इसका सीधा सा ऑप्शन है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है, तो इसलिए मृत सागर में तैर सकते हैं तैराक। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। भूमि का उपयोग बहुत सी चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं खनिज हम निकालते हैं, मतलब खनन कह सकते हैं, एक तरह से भवन निर्माण होता है, उद्योग भी लगाते हैं हम, कृषि भी करते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ यही दो काम नहीं होते। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो भूमि उपयोग मतलब किस किसके थ्रू होता है, मतलब कि स्थलाकृति के द्वारा ही उसका उपयोग होता है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, जनसंख्या कितनी रह रही है, तकनीकी कितनी उन्नति है वहाँ पर, जल की उपलब्धता है या नहीं है, ये सब देखना होता है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ए और बी दोनों गलत हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन। रक्षक मेखलाएं आप पहले समझ लीजिए, रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? रक्षक मेखलाएं होती हैं जैसे आप खेती कर रहे हैं यहाँ पर इतने बड़े एरिया में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इधर और इधर बाउंड्री बना देते हैं। बाउंड्री किस चीज़ की? पेड़ पौधे लगा देते हैं छोटे 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 और सघन, सघन मतलब घने, तो इस तरह से यहाँ पर पेड़ पौधे हैं ये सब, तो इससे क्या होगा, ये मदद करती हैं, इनका उपयोग बताना है, क्या करेंगी ये? मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर जल के प्रवाह को मंद करने में, अब नालिकाओं को बनने से रोकने और मृदाशय को बचाने में, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जब ये छोटे छोटे पौधे लग जाएंगे तो क्या होगा, पवन की गति को रोकेंगे, तेज़ हवा भी आएगी तो भी ये इनके थ्रू ये पवन की गति कम हो जाएगी, इस एरिया में पवन की गति कम जाएगी, तो मृदा का आवरण होगा, एक तरह से कवर करके रखेंगी सोइल को, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो सोइल प्रोफाइल की थिकनेस को कौन डिटरमाइन करता है? सोइल प्रोफाइल बोलते हैं मृदा प्रच्छेदिका को इंग्लिश में, तो ये निर्धारित करता है समय।
तो मृदा प्रतिच्छेदिका क्या होती है? ये होती है एक तरह से मिट्टी की परत, मान लीजिए ये ऊपरी लेयर है मिट्टी की जो हमें दिखाई देती है। इसके नीचे कई सारी लेयर बनी होती हैं मिट्टी की, तो इसी को बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो इसका जो निर्माण होता है चट्टानों से या फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तनों द्वारा होता है, और ये एक तरह से व्यवस्थित परतें होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, करेक्ट। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनका वर्गीकरण पूछा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितना कहाँ पर है, तो ये होगा थर्ड ऑप्शन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक मतलब जो हर जगह मौजूद होते हैं, जैसे हम जल की बात कर सकते हैं, वैसे तो जल को कुछ जगह पर है भी नहीं, लेकिन एक तरह से एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं। और स्थानिक जैसे जो सीमित जगह पर ही होते हैं, जैसे खनिज हो गए या फिर धातुएं हो गई, तो इस तरह के हम स्थानिक के रूप में ले सकते हैं। और सर्वव्यापक हम उन्हें ले सकते हैं जो हर जगह मौजूद हैं और आसानी से उपलब्ध हैं। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? तो विविध समाज क्या होता है? विविध समाज होता है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाएं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। विभिन्नताओं के बावजूद भी समानताएं मिलें, जैसे कि अलग अलग कल्चर हैं, भाषा है, संस्कृति है और धर्म भी अलग अलग हैं, लेकिन नैतिकता के तौर पर समानताएं पाई जाती है, जैसे कि इंडिया में है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसे बोला जाएगा विविध समाज। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? जो मतलब रूढ़िबद्ध एक धारणा है, रूढ़िवादी सोच है, उसको कौन सा ऑप्शन चुनौती देता है? तो अगर हम बात करें तीन ऑप्शंस की, फैशन परस्त होती हैं महिलाएं, पालन पोषण करने वाली होती हैं, बहुत भावुक होती हैं, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा चली आ रही है। और जो ये सेकंड ऑप्शन है ये चुनौती देता है, मतलब ये काम वैसे तो पुरुषों का है क्योंकि पुरुषों से संबंधित था ये पहले, अब तो महिलाएं भी करती हैं और महिलाएं ड्राइवर भी कम हैं, तो इसीलिए ये इसको चुनौती देता है, रूढ़िबद्ध जो धारणा महिलाओं के प्रति बनी हुई है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो नारी मताधिकार की मांग थी, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मांग थी महिलाओं के लिए मताधिकार। तो ये था, एक न्याय प्रणाली आई थी इसमें ब्रिटेन में, उसमें क्या था कि पुरुषों को वोटिंग का अधिकार था, लेकिन महिलाओं को नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था और बच्चों को भी नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने महिलाओं ने विरोध किया और आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे ये आंदोलन का नाम दिया गया, महिला आंदोलन। तो इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जातक क्या होता है, जातक कथाएं होती हैं एक तरह से, और ये हैं बुद्ध के पूर्व जीवन पर आधारित, तो ये भी आ जाता है जातक कथाएं क्या होती हैं। और इसके लिए क्या है, इससे संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आईने अकबरी के विषय में सही कथन होगा,
अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है ये। तो अकबर के प्रशासन के विषय में है ये, आईने अकबरी, ये एक बुक है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो ये होंगे गुरु अंगद। ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे और इन्हें लेहना के नाम से भी पुकारा जाता था। एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ये विशेषता नहीं थी 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्ति जो दास नहीं थे। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एज शामिल थी 18 से अधिक। और पुरुष पात्र थे इसमें, और पूर्ण सैन्य सेवा वाले पात्र थे जिसमें कि महिलाओं को और बच्चों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है, महिलाओं को नागरिकता प्राप्त थी। समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो दक्षिणापथ मतलब वो साउथ के जो शासक थे उनके लिए थी ये। तो उसने ऐसी एक नीति अपनाई थी, वो क्या थी? इन्होंने हार स्वीकार की एवं इन्हें पुनः शासन के लिए अनुमति दी गई। तो ऐसा क्यों किया भाई, पहले हार भी स्वीकार कर ली उन शासकों ने और फिर उन्हें पुनः शासन के लिए अनुमति दी। शासन के लिए अनुमति दी क्योंकि वो एक तो राजधानी से दूर थे और नियंत्रण से भी दूर थे, तो इसलिए उन्होंने समुद्रगुप्त ने क्या किया कि उन्हें पुनः शासन के लिए अनुमति दे दी, वो अपनी ही देखरेख में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो ये मैच करना है आपको कि कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ऐसी जो तकनीक है वो है ऑयल पेंटिंग, इसमें आ जाएगा ऑयल पेंटिंग। फर्स्ट मैच हो जाएगा फोर्थ से, तो हम देख लेंगे। फर्स्ट मैच हो रहा है फोर्थ से, फोर्थ ऑप्शन में। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप इसमें देख सकते हैं। सेकंड मैच हो जाएगा चित्रकारी, जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, बी फर्स्ट से हो जाएगा, सी सेकंड से हो जाएगा, सेकंड से, और डी हो जाएगा थर्ड से, क्योंकि हमें पहले ही ऑप्शन मिल गया और इसमें फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ मैच हो रहा था पहले से, तो ये ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा इसमें। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो ये हुआ सूरत, मद्रास और कैलकटा, ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा इसमें। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्ति में दिखाई गई है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है। महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। महलवारी और रैयतवारी के बारे में बताना है, तो इन दोनों का एक तरह से अंतर दिया हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी। उत्तर पश्चिम मतलब मान लीजिए भारत है, भारत इस तरह से देख लेते हैं स्ट्रक्चर के तौर पर, उत्तर पश्चिमी होगा ये वाला पार्ट, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के ये थी। तो रैयतवारी थी साउथ में, तो इसमें ये दिया हुआ है। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में
किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था, तो दूसरा बिल्कुल सही है, रैयतवारी में, रैयत मतलब किसान, तो रैयतवारी में किसान मुखिया होता था इसका, और महलवारी में गांवों के मुखिया इकट्ठा करता था राजस्व। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, दोनों में अंतर कौन सा सही स्पष्ट कर रहा है, बी ऑप्शन द सेकंड ऑप्शन, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। देखो आपको क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें अंतर बताया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन में भी इसी तरह से दिया हुआ है कि दोनों व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट कर रहे हैं दोनों ऑप्शन। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, तो सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, दरगाह के बारे में, दरगाह का आपने सुना होगा। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, तो विशिष्टाद्वैत संबंधित है रामानुज से, तो रामानुज द्वारा था ये, और ये वैष्णव भक्ति से संबंधित थे। भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें ए तो गलत हो जाएगा, यह एक दीवानी अदालत थी, ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, और ए गलत किसमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ही हमारा सही हो जाएगा और बी ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। गैरिसन अभिप्राय है, तो गैरिसन नगर होता है किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। तो ये थे 30 क्वेश्चंस कंटेंट बेस्ड सोशल साइंस के, और नेक्स्ट पार्ट में हम पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस को, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।